हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अभी आपने प्रीव्यू में वीडियो देखा तो फ्रेंड्स, इस तरह के स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हैं लाइट मोशन एप्लीकेशन की मदद से, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इसका जो प्रीसेट है वो आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, क्योंकि एक्सएमएल अगर मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगा तो सही से वर्क नहीं करेगा। तो मैं इसका प्रीसेट आपको प्रोवाइड करूँगा जो मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट पर कैसे विजिट करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, सारी चीज़ें मैं बताया हूँ नीचे वीडियो और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा। और काफ़ी इजी स्टेप में मैं मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कुछ सेकंड आपको पेज पे वेट करना होगा और आपको लिंक डायरेक्ट एलाइट मोशन में ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एलाइट मोशन में जब ओपन होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा एलाइट मोशन को मैंने ओपन किया, लोडिंग ले रहा है। प्रोजेक्ट में चलते, प्रोजेक्ट में चलने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट है आपका। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो भी फोटो इधर यहाँ से जो फोटो यहाँ पे इम्पोर्ट मतलब लगाना है इसमें, वो सारा फोटो आपका 9:16 का रेशियो में होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, नीचे मतलब बैक आइएगा, प्लस का क्लिक करके 9:16 रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर जाइएगा। प्लस का एक क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। तो मीडियम जाने के बाद जो भी फोटो पर एडिटिंग करना चाहते हो, उस फोटो को सिंपली यहाँ पे 9:16 के रेशियो में क्रॉप कर लेना। जैसे आप देखते हैं, यहाँ पे मेरा सारा फोटो यहाँ पे, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करते हैं, यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब ये वाली ऑप्शन में टैप करेंगे, यहाँ पे करेंट फ्रेम एज पीएनजी पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देंगे, तो यहाँ से पीएनजी में 9:16 रेशियो में फोटो जो है करप्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा, 8-10 फोटो यहाँ पे लगने वाला, जितना भी लगेगा सबको कर लेना। मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। सोज मैं फोटो क्रॉप्ट कर लियो 9:16 रेशियो में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं ये ग्रुप जो आपको दिख रहा है, ये वाला ग्रुप, इसे ओपन कर लीजिएगा। एडिट ग्रुप में जाइएगा और फिर यहाँ पे आपको दो ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप जो ऊपर वाला है, इसे सेलेक्ट कीजिएगा, एडिट ग्रुप में जाइएगा। देन आपके सामने फिर से ग्रुप दिखेगा, तो इसे सेलेक्ट करके एडिट ग्रुप में आ जाइएगा। और यहाँ पे ये ब्लू वाला जो पिक्चर दिख रहा है, इसे सेलेक्ट करिए, कलर एंड फिल पे क्लिक कीजिए। ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जो भी फोटो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, उस फोटो को लीजिएगा और यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। तो फोटो यहाँ पे ऐड हो गया, और इसे आप एडजस्ट करना है तो मूव इट आस फॉर्म में जाइए, जूम वाले ऑप्शन पर जाकर इसे और एडजस्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसे थोड़ा सा जूम करके एकदम फिट कर लेंगे, देन यहाँ से बैक आ जाइएगा, ठीक है, इस तरह से। तो देखते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट जो हमारा पिक्चर यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला यहाँ से फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड वाला यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर वाला जो ग्रुप है इसे सेलेक्ट कीजिएगा, एडिट ग्रुप में जाइएगा, फिर से आपको ग्रुप दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, एडिट ग्रुप पर चले जाइएगा। देन यहाँ पे फिर से आपको ब्लू वाला पिक्चर दिखेगा, इसे सेलेक्ट करके कलर एंड फिल पर क्लिक कीजिएगा। ये वाली ऑप्शन टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद दूसरा फोटो जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहे, उस फोटो को ले लीजिएगा और प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से बैक आ जाएगा, मूव इट आस फॉर्म में जाकर इसे नीचे की तरफ स्लाइड कर लीजिएगा, स्क्रॉल करके इस तरह से सेट कर लीजिएगा, फिर यहाँ से बैक आ जाएगा। तो दूसरा फोटो जो हमारा है वो भी लग गया। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये स्टेटस है, तो ये सैड अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे इमोजी का यूज सैड वाला किया है। आप अगर चाहे तो इसमें लव इफेक्ट दे सकते हैं, तो इमोजी को बस चेंज करना है। इमोजी कैसे चेंज करना है मैं आगे आपको बताता हूँ, पहले मैं यहाँ पे पूरा फोटो आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक का तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जब आगे आते हैं, तो ये फर्स्ट पिक्चर आपको यहाँ पे ऐड करना है, जो कि इस ग्रुप में आपको मिलेगा। इस ग्रुप को सिलेक्ट कीजिएगा, एडिट ग्रुप में जाइएगा, देन यहाँ पे आपको जो ग्रीन वाला पेज दिख रहा है, इसे सेलेक्ट कीजिए, कलर एंड फिल पर क्लिक करके ये वाली ऑप्शन टैप कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको अब यहाँ पे वो वाली फोटो ले लेनी है, जिसे आपने 9:16 रेशियो में क्रॉप्ट किया था। तो फर्स्ट नीचे से हम सेलेक्ट करते हैं, इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लस कर दे, तो फोटो यहाँ पे ऐड हो गया, देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट फोटो तो यहाँ पे ऐड हो गया। अब जितना बार आगे पीछे होते रहता है, तो जितना बार आगे पीछे हो जाए, आपको फिर से स्टार्टिंग से आगे की तरफ आ जाना है। और यहाँ पे दूसरा फोटो अब हमारा ऐड होगा, जो कि ऊपर में ही मिल रहा है, तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा, एडिट ग्रुप में जाइएगा और दूसरा फोटो जो इसे सेलेक्ट कर लीजिए, कलर एंड फिल पर क्लिक करके ये वाली ऑप्शन टैप कीजिए। टैप करने के बाद यहाँ पे दूसरा फोटो आपको ले लेना है। तो फ्रेंड्स, ये वाला मैं दूसरा फोटो यहाँ पे ले लिया हूँ, देन यहाँ से फिर से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर से स्टार्टिंग में आ गया, तो फिर आगे की तरफ स्लाइड करेंगे। तो यहाँ पे दो ठो फोटो हमारा इसमें यूज हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मिल रहा है। अब इसके बाद आप देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 फोटो आपको यहाँ पे और लगेगा, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ से सेट करना है, ठीक है, यहाँ से। तो पहले इसे ओपन कीजिए, कलर एंड फिल में जाइएगा और ये वाली ऑप्शन में टैप कीजिएगा। अब दूसरा फोटो आपको यहाँ पे ले लेना, जो भी फोटो ऐड करना चाहते हो। तो फर्स्ट फोटो मैंने ये वाला ले लिया, सेकंड आगे की तरफ आएंगे, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करके ये वाली ऑप्शन टैप करेंगे, फिर दूसरा फोटो ले लेंगे, जो भी फोटो आपको ऐड करना हो उसे कर लीजिएगा। फिर आगे की तरफ स्लाइड कीजिएगा, ये वाली फोटो को सेलेक्ट करके कलर एंड फिल पे क्लिक कीजिए, तीसरा फोटो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जो लेना चाहते हो उसे ले लीजिएगा। फिर थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, इसे सेलेक्ट कीजिए, कलर एंड फिल पे क्लिक कीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ पे सभी फोटो पे आपको करना है, बस रिप्लेस करते जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, एक दो ठो तो और बचा ही हुआ है, तो ये देख सकते हैं कंप्लीट हो गया, लास्ट बचा हुआ है यहाँ पे एक ठो और।
तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करके ये वाले ऑप्शन टैप करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट वाला इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस आ रहा है। अब बैकग्राउंड में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैक में जो यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, तो इसे सेलेक्ट कीजिए, कलर एंड फिल पे क्लिक कीजिए, फिर से यहाँ पे और यहाँ पे भी एक फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी फोटो आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमारा एडिटिंग जो है फिनिश हो चुका है, जो कि देखने में कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का तो हो गया। अब फोटो एक लास्ट में आपको ऐड करना है, लास्ट फोटो मतलब ये वाला फर्स्ट स्टार्टिंग में जाइए, ग्रुप टू जो है उसके नीचे ग्रीन दिख रहा होगा टेम्पलेट, तो उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ कलर एंड फिल पे जाइएगा, ये वाली ऑप्शन टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद आपको जो भी फोटो यहाँ पर ऐड करना है उस फोटो को सिंपली ले लेना। तो चलिए तब तक के लिए इसी को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर प्लस कर लेते, फोटो हमारा ऐड हो गया। तो इसमें देख सकते कलर इफेक्ट दिया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, सैचुरेशन इफेक्ट इसमें दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसे क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट में जाइएगा, यहाँ पर जो सैचुरेशन वाइब्रेंस दिया हुआ है ये वाला, तो आपको इसे ओपन कर लेना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, देन यहाँ से आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आइएगा और जो नीचे वाला जो पिक्चर हम ऐड किए थे, ये वाला पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल वाला, तो ये वाला क्लिक कीजिएगा और इफेक्ट में जाइएगा, इफेक्ट में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिएगा, तो इसमें भी सेचुरेशन इफेक्ट लग जाएगा। अगर आपका जो फोटो आप ऐड करते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला फोटो हो तो उसमें आपको ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, या फिर आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो फोटो को ही हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, मेरे पास उस टाइप का कोई फोटो नहीं है, तो मैं ये वाला फोटो लगा कर देखता हूँ, ये वाला शायद काम कर जाए सही से। फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो दिख रहा है, मतलब ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट जो है मैं इसी को ऐड कर देता। तो आप चाहे तो इफेक्ट में जाकर सैचुरेशन को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। और आप चाहे तो इसका थोड़ा सा ब्लेंडिंग कम भी कर दीजिएगा, तो इस तरह से थोड़ा सा शेडो जैसा दिखेगा अब, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये जी एडिटिंग हमारी फिनिश हो चुकी है। अब रही बात इमोजी की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इमोजी ग्रुप जो है इसमें आप चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करने में एक परेशानी आती है कि ग्रुप करप्ट हो जाता है, तो आप इसका रिस्क नहीं लीजिएगा। या फिर अगर आप चेंज करना चाहें तो सबसे पहले तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा और ये वाली ऑप्शन टाइप करके यहाँ पे कॉम्पिलेट कर लीजिएगा, फिर इसे एडिट करना स्टार्ट कीजिएगा। सारा चीज़ सही रहे तो सही है, नहीं तो फिर जब ये करप्ट हो जाएगा, तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, फिर स्टार्टिंग में अगर ये वाले ऑप्शन टाइप करके पेस्ट लेयर कीजिएगा और फिर इसे यहाँ पर नीचे कर लीजिएगा, इस तरह से तो हमारा प्रोजेक्ट सेफ रहेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, मुझे को चेंज करना चाहे तो आप कर पाइएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही सैड सॉन्ग पे ही स्टेटस बना लीजिएगा। वैसे मैंने जो पिक्चर यूज किया था वो लव अकॉर्डिंग था, तो ये एडिटिंग हमारी फिनिश हो चुकी है। अब इस वीडियो को सेव कर लेंगे, सेव करने के लिए ऊपर जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, उसका वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।